কেন উনি নিয়ে কি দুজন দিলাম ৫৬টা मेरा नाम आरिफ है। मेरा गांव रहाना एक नंबर अमडेंगा थाने के अंतर्गत ये गांव है। कलकत्ता से लगभग 50 किलोमीटर दूरी में ये मेरा गांव पड़ता है और मैं पिछले 21 साल से ये काम कर रहा हूँ, बीकीपिंग वाला काम। एक्चुअली ये बीकीपिंग का काम मेरा पिताजी ने स्टार्ट किया था 1985 में और हम
जिस बी को लेके काम कर रहे हैं इसको एपिक्स मेलेफेरिया का नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न बी या इटालियन बी के नाम से भी लोग इसको जाना जाते हैं। আমরা যে ড্রোনের কথা বলছিলাম, এই যে ড্রোন, এইটা ড্রোন, এই স্টিং করার ক্ষমতা নেই, এ কামড়াবে না। मेरा पिताजी ने जब बीकीपिंग का काम शुरू किया था तो वो एपिक सेरेना को लेके पहले स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे पंजाब से ये एपिक्स मेलेफेरिया वेस्ट बंगाल में आया और हम अभी इसको लेके ये काम कर रहे हैं। मेरा घर पे मेरा माँ है, भाई है, पिताजी है। पिताजी ने ये काम शुरू किया था और आज हम सब लोग मिल के ये काम कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत खेती भी हम लोग करते हैं, जैसा कि आलू, सब्जी वगैरह, थोड़ा सा राइस। और ये जो बीकीपिंग का काम है ये सब हम मिल के करते हैं। और कुछ और दोस्त लोग भी हैं जो टाइम निकल के कभी कभार मदद कर दिया करते हैं। सबके साथ एक साथ ये काम करने में अच्छा लगता है मेरा। এটা পাকা মধু সিলড হয়ে গেছে আর এইগুলো ওরা সব ড্রপ ফেলেছে ফুল থেকে নিয়ে এসে যেটা কাঁচের মতো চকচক করছে ওটা এখন কাঁচা মধুই বলা চলে আর ভিতরে কিছু হলুদ নানান রঙের আছে না ওগুলো হচ্ছে পোলেন ফুলের পরাগ बीकीपिंग का काम सीखने के लिए मेरा पहले गुरु मेरा पिताजी है। बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने। फिर थोड़ा एडवांस बीकीपिंग सीखने के लिए मैं कुछ जगह से मैं ट्रेनिंग भी लिया है, जैसा कि कलकत्ता हो गया, फिर मैंने पंजाब गया था ये जानने के लिए कि उनके उधर ये बीकीपिंग का काम कैसा होता है, वो किस तरीके से ये काम करते हैं, ये सीखने के लिए मैंने गया उधर। फिर मैंने दिल्ली में गया था, वहाँ पे नेशनल बी बोर्ड से थोड़ा बहुत मैंने सीखा हूँ। उसके अंदर में बहुत ट्रेनिंग होता है मेरा वेस्ट बंगाल में भी, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। फिर बीसीकेबी के अंडर से भी मैंने ट्रेनिंग लिया ये जानने के लिए कि अच्छा क्वालिटी का हनी यानी शहद हम कैसे कलेक्शन कर सकते हैं और फिर जाके इसको मार्केटिंग करना, बोटलिंग करना, इसको पैकेजिंग करना, इसके बारे में हम बहुत कुछ ट्रेनिंग में बीसीकेबी अंडर से लिया है मैंने। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस का ये मानना है कि भारत में लगभग 800 प्रजाति के बीज हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। 95% से ज़्यादा का रिसर्च सिर्फ मेलिफेरा फैमिली के बीज पे ही होता है। ये बात सच है कि शहद यानी हनी का हम इंसानों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है और काफ़ी सारे अलग अलग देशों के सभी पुराने किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। शहद और उसके साथ जुड़ी हर एक चीज़ कोई चमत्कार से कम नहीं। इंसान, शहद और ये मक्खी, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। इतिहास में बहुत बार हर युग में शहद के उपयोग के बारे में बार बार बोला गया है। दुनिया के सबसे पुराने रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इंसान लगभग 10,000 साल से वाइल्ड हनी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आरिफ का ये मानना है
कि हम उससे भी बहुत साल पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं। ये माना जाता है कि जब बंजारों का समय हुआ करता था, जब हम पूरे तरीके से इंसान नहीं बने थे और खाने की खोज में हम एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तब मीठा खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। फल जो पेड़ों में काफ़ी ऊपर उगा करते थे, उनको खाना मुश्किल था, और इसीलिए हनी को मीठे की तरह हम खाने लगे। चाहे वो इजिप्शियन हो या चाइनीज़, ग्रीक हो या रोमन, सारे सिविलाइजेशन में शहद का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। और सिर्फ शहद ही नहीं, उसके सह उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि बी वैक्स और प्रोपोलिस। ये शहद इतना उपयोगी है क्योंकि इसमें 200 से भी ज़्यादा पदार्थ हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और भी काफ़ी सारे एंजाइम्स। भारत में लगभग 90% से ज़्यादा बी कीपर्स एजुकेटेड नहीं हैं, और उनको कभी लगा भी नहीं कि एजुकेशन या बी के ऊपर अच्छे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत है। इसीलिए बी कीपिंग के बारे में उनका नॉलेज बहुत कम है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है अनैतिक तरीके से बी कीपिंग का। हमारे देश में बी कीपिंग एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स के जैसे शुरू हुआ था, पर अब ये मुख्य रूप से पैसा कमा के अपना घर चलाने का एक और जरिया बन गया है। माइग्रेशन के समय आरिफ अपने सहकर्मियों के साथ टेंट में रह के काम करते हैं। ये लोग 2 से 3 महीने एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। शहद इकट्ठा करने के अलावा एक बी कॉलोनी को बनाए रखना इनका सबसे बड़ा काम है। इन सभी कामों में मधुमक्खियों के लिए तख्ते यानी फ्रेम्स की तैयारियां एक बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए जब दिन भर क्लाउड और फॉग होता है तो आरिफ और उनके सहकर्मी अक्सर तख्ते तैयार करते हैं, कभी कभी पूरे दिन तख्ते तैयार करते हैं। मुड़ी खाएंगे। हाँ, मुड़ी, मूलो, लौंका, धनिया पत्ता, प्याज, चना। ओफ, चना चूता साथे, दारुण व्यापार। नजीर, चलो उठाओ।
पहला काम है धुआं मशीन तैयार करना। जैसे ही गोबर केक जलने लगता है, आरिफ अपने चाकू को तेज करने में लग जाते हैं। 200 से अधिक मधुमक्खियों के बक्से, जिसमें हर एक में कम से कम 10 फ्रेम होते हैं, सबको एक एक करके निकालना और सभी को सावधानी से हार्वेस्टर में डालना एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन उससे पहले इन्हें सभी सामान, छोटे और बड़े, हल्के और भारी, सभी को खुद अपने कंधों पे या साइकिल पे बारी बारी में लेके जाना पड़ता है। शहद निकालने से पहले कबीर एक अलग जगह बना लेते हैं। वहाँ मच्छरदानी के साथ हार्वेस्टर को चारों ओर से कवर करते हैं। इस नेट के अंदर आरिफ हार्वेस्टर को रोल करेगा और एक एक करके सारे फ्रेम्स को इसके अंदर और बाहर बदलता रहेगा। ये पूरा काम यांत्रिक है, यानी कि मैकेनिकल है। दो लोग एक एक करके सारे मधुमक्खी के बक्से पर ध्यान लगाएंगे और वो एक एक करके बक्से को खोलेंगे और मधुमक्खियों को हटाने के लिए धुएं से स्प्रे करेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद वो ध्यान से अलग अलग फ्रेम उठाएंगे, उन्हें सावधानी से हिलाते हैं ताकि मधुमक्खियां तुरंत निकल जाएं। फिर नेचुरल फैब्रिक से बने नरम ब्रश से वो सभी मधुमक्खियों को फ्रेम से हटा देते हैं। फिर सभी फ्रेमों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और मच्छरदानी के अंदर हार्वेस्टर पर भेजा जाता है। फिर आरिफ ध्यान से एक तेज चाकू के साथ सील्ड छत्ते को फ्रेम से काट देता है और फिर उसको हार्वेस्टर में डाल दिया जाता है। एक बार फ्रेम हार्वेस्टर के अंदर गया, आरिफ धीरे धीरे हार्वेस्टर को घुमाता है और ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाकी का काम कर देती है। पूरे दिन भर ये इसी प्रोसेस को हजारों बार रिपीट करते हैं। बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर कई बार वो भी नहीं कर पाते क्योंकि सूरज डूबने से पहले उन्हें सारे काम खत्म करने होते हैं। कई हजार फ्रेमों से शहद निकालना कोई आसान काम तो नहीं। ये 20 बहुत ज़्यादा खतरे में है। सबसे बड़ा और इमीडिएट थ्रेट 20 को है पेस्टिसाइड्स है। दिन ब दिन हम जितने पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ा रहे हैं, ये 20 मर रही हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। कुदरत की सबसे कीमती देन है ये 20 और उनका बनाया हुआ शहद। दुनिया की कोई भी मशीन रॉ हनी नहीं बना सकती।
ऊपर वाले ने ये काम सिर्फ और सिर्फ इन 20 को दिया है, लेकिन इनका पूरा तंत्र यानी कि सिस्टम क्लाइमेट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बारिश के महीने लंबे होते रहे हैं, सीजन्स के पैटर्न चेंज होते रहे हैं, धूप, बादल, छांव, फॉग, ये सब के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं। इसके पीछे के कारण हैं हम इंसान, जिसकी बुद्धि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस बुद्धि के शिकार हो रहे हैं ये छोटे छोटे जीव, जो सिर्फ इस दुनिया में 40-45 दिन के भी मेहमान होते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो अपने पीछे एक तरह का अमृत छोड़ जाते हैं। तीसरा कारण है रेडिएशन, यानी कि रेडियो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लक्स। हम माने या न माने, ये एक सच है, ये बीज एक बहुत ख़ास तरीके से अपने एंटेना को यूज़ करके अपना रास्ता निर्धारण करते हैं। दिन में कई बार वो उसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं, लेकिन बहुत बार भटक भी जाते हैं। लेकिन आजकल ये भटकना बढ़ गया है। बीज ज़मीन के नज़दीक से ही उड़ते हैं और ये जितने भी रेडिएशंस होते हैं ये भी ज़मीन के नज़दीक से ही चलते हैं, कहीं ना कहीं ये टकराते हैं और बीज को अपने रास्ते से काफ़ी दूर ले जाते हैं। वो वापस नहीं आ पाते और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये खतरा जीवों को तो है ही, पर साथ साथ उन लोगों के व्यापार को भी है जो इस काम से जुड़े हैं, जो इस काम पर निर्भर हैं। नवाबों के ज़माने में किसान नील की खेती किया करते थे, उस समय ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी था। पर जब इंग्लैंड में नील की डिमांड बढ़ गई तो अंग्रेज़ों ने इस पर टैक्स लगा दिया। आरिफ के साथ ऐसा ही कुछ होता है, टैक्स तो नहीं लगाते लेकिन ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे बाज़ार से लोन उठाते हैं। इंडिया में रॉ हनी की डिमांड बहुत ही कम है, इसीलिए इन्हें या तो हनी को विदेश में बेचना पड़ता है या तो इंतज़ार करना पड़ता है कि वो कब बिके। जिनसे ये लोन लेते हैं उनका लोन चुकाने के लिए बहुत बार इन्हें कम दाम में शहद बेचना पड़ता है, ये इनके लिए एक लगान जैसा ही है। बांग्ला में हम इसे दादून बोलते हैं। ये इनके लिए एक अभिशाप जैसा है, ये इसे निकलना तो चाहते हैं, पर एक कहावत है ना, इंसान लोन लेके खाता है और ब्याज सीधा इंसान को खाता है। हम जब ये 20 के ऊपर फिल्म बना रहे थे तो हमने जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं 20 के, जिसे हम हाइव्स बोलते हैं, जब हम इन पे गौर किए तो हमने देखा कि इनका जो अंदर जाने का रास्ता है उसके ठीक नीचे काफ़ी सारे बीज मरे पड़े हैं। और जब हम ये क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स, वाटर प्रॉब्लम, टावर्स के प्रॉब्लम, इन सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें सच में बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं शायद हम ही इनके मौत के कारण बनते जा रहे हैं। हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अगर ये बीज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं तो इनका सुरक्षा लेना हमारा एक ड्यूटी बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते तो शायद आने वाले समय में हम बुरे, बहुत ही बुरे समय की तरफ जा रहे हैं।